हाय फ्रेंड्स, न्यू मून रिचुअल कल है, कल आई मीन 16th अगस्त है, न्यू मून है, और न्यू मून की रेमेडीज़ हम गॉडेस हिकाटे के लिए रिचुअल्स, टेक्निक्स, जो भी बोल लो, प्रेयर्स हम ज़रूर करते हैं, राइट? नाउ यहाँ पे न्यू मून पे सिर्फ गॉडेस हिकाटे नहीं, गॉडेस ललिथ के लिए भी हम करेंगे, ठीक है? दोनों के प्रेयर्स आप कर सकते हैं। गॉडेस हिकाटे से रिलेटेड जो उनकी कीज आप लोगों ने रखी है, चाबियाँ रखी हैं, उसको चार्ज करने का सबसे बेस्ट टाइम है, तो अपनी अपनी चाबियाँ लेकर के आप बैठ सकते हैं और चैंट कर सकते हैं, ठीक है? गॉडेस हिकाटे वो देवी हैं जो जिनको पुकारो आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, कोई भी विश हो, कोई भी प्रोटेक्शन आपको चाहिए, आप इंस्टेंट आपको रिप्लाइज मिलते हैं। और इसके प्रूफ के लिए आपके पास हज़ारों सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिनको अभी तक आप देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे हर मामले में। और जो सबसे मैं बोलूँ अभी तक का सबसे बड़ा मिराकल है, वो किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जो मैंने पीछे भी बताया था, और अभी इस वीडियो में फिर से बता रही हूँ कि उन्होंने अपना ब्रेस्ट कैंसर से, जो एकदम डायग्नोज होने ही वाला था, बायोप्सी के बाद जो रिपोर्ट आती है वो फाइनल रिपोर्ट होती है कि यस ऐसा कुछ है, बट वो नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। उनको कुछ गॉडेस हिकाटे से रिलेटेड रिचुअल ही बताया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया, एंड नाउ शी इज़ वेरी हेल्दी हैप्पी, ठीक है? तो इस तरह की प्रोटेक्शन हमें मिलती है, मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है यहाँ पे। अब क्योंकि कल 16th है तो हम क्या क्या करेंगे, बहुत सारे रेमेडीज़ हम जानते हैं। सबसे पहले तो जो हनी रिचुअल है उसको आप रिवाइंड करिए, उसको ज़रूर कर लीजिए, सेल्फ लव के लिए, अपने ब्यूटी के लिए। हनी रिचुअल मिराक्युलस सिद्ध हो रहा है स्किन के लिए, ओके? ग्लास स्किन बोल लो, ग्लोइंग स्किन बोल लो, जो बोलना है बोलो, लेकिन आई वुड से ब्यूटी के लिए सुपर मैजिकल है। सिर्फ करना कुछ नहीं आपको, एक अलग कटोरी में, मैंने पहले भी बोला है वह फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो नए जुड़ते हैं वीडियोस में, तो उनको समझ नहीं आता हम कैसे करें क्या करें, राइट? एक अलग बाउल में आप हनी लीजिए, और एक अलग एक और प्लेट या जो भी कटोरी ले लीजिए, आपको एक स्पून से हनी को ड्रिप करना है, बैठ करके रात को करिए आप, जब शाम ढल जाए तब आप करिए। हनी को ड्रिप करते समय जो उसकी धार गिरेगी, उसकी धार को देख करके आप गॉडेस हिकाटे मैजिक बिगिन नाउ, गॉडेस हिकाटे मैजिक बिगिन नाउ, जो उनका स्विच वर्ड है या मंत्रा है बोल सकते हो, उसको आप बार बार रिपीट करो, पावर्स इनवोक होती हैं, राइट? उसके बाद फिर आप आँख बंद करके, हाथ जोड़ करके बेशक से गॉडेस हिकाटे से प्रेयर करो, प्रेयर्स में बहुत पावर्स होती हैं। आप अपने स्किन के लिए कर रहे हो तो करो, अपने जस्ट भी फिजिकल अपेयरेंस के लिए कर रहे हो, सिर्फ ब्यूटी के लिए बताया मैंने यहाँ पे, वो आप करो, ठीक है? वो करने के बाद आप इस हनी को जो आपने इकट्ठा किया है, एक वन स्पून या दो स्पून जो भी इकट्ठा हुआ है, एक दो चम्मच, उस हनी को लेकर के आपको मास्क की तरह अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है, एंड फिर जैसे हम मास्क रखते हैं 5-10 मिनट, उतनी देर रख के फिर वॉश ऑफ कर लीजिए इसको, ओके? सो इतना सा रिचुअल है, लेकिन हाँ, इसके बाद बहुत से लोगों को अपने स्किन में, अपने कॉम्प्लेक्शन में चेंजेस नज़र आए हैं, ठीक है? और बहुत अच्छे वाले चेंजेस नज़र आए हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि ये तो जो हनी रिचुअल है, इसको तो आप जब भी न्यू मून आता है अपने सेल्फ लव के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो बनता ही है, राइट? तो ये तो सबसे फर्स्ट हो गया, राइट? सेकंड था, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए भी कुछ रिचुअल्स हैं, जो पुराने रिचुअल्स करना चाहते हैं, मतलब पुराने मतलब जो मैं पहले न्यू मून पे डाल चुकी हूँ वो वाले करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम उसको रिपीट नहीं कर सकते, क्या बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है? बट जैसे जैसे हम न्यू मून की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव होता चला जाता है, कुछ ना कुछ और भी हम सिम्बल्स पावर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे मैं जिस सिंबल को बता रही हूँ, इस सिंबल को कहते ही है मैनिफेस्टेशन का सिंबल, मतलब इस सिंबल पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर लो, फोकस करके देखो, अपना कुछ इंटेंशन बिल्ड करो, तो ये मान्यता है कि हमारी विशेष मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है? सिंबल्स में बहुत पावर होते हैं, रूनस के सिंबल इंट्रोड्यूस किए हैं मैंने, हम खुद अपने वैदिक सिंबल्स की तरफ चले जाएँ तो आप यंत्रों को देख सकते हैं, सब में सिंबल्स हैं, शुभ लाभ देख सकते हो आप, स्वास्थ्य देख सकते हो, ये सारे सिंबल्स ही हैं और बहुत इफेक्टिव हैं, राइट? वैसे ही आज इस सिंबल को मैं आप दिखाने जा रही हूँ, जो सिंबल आप कहाँ बनाओगे, ये आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये आप अपने हथेली में यहाँ पे बनाएंगे, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में आप ये सिंबल ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद आप बैठोगे आराम से एक जगह शांति में, और आंखें बंद करके अगेन अपनी जो चैंट है, सबसे पहले हम ड्रैगन को इन्वोक करते हैं, हमें पता है ड्रैगन इज़
एन एनिमल स्पिरिट जो कि गॉडेस एकाटे से कनेक्टेड है. ओके, तो पहले ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ. कुछ देर, काउंट्स में नहीं रखना, मिनट्स में नहीं रखना, कुछ भी नहीं. गॉडेस एकाटे मैजिक बिगिन नाउ बोलने से पहले ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ, ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ, ड्रैगन मैजिक बिगिन नाउ. और वैसे भी ड्रैगन की जो जो पावर्स है ना, दैट आर रियली वेरी मिराक्युलस. ठीक है, तो वैसे ही आप पहले ड्रैगन को, ड्रैगन जो एनिमल है उससे कनेक्ट करोगे, उसके बाद फिर आप गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ. अगर फिर भी कुछ लोगों को चाहिए कि हम कितनी देर काउंट्स में करें, तो 11 नंबर कंसिडरेशन में रखिए, 11 11 करके आप चैंट करना स्टार्ट कीजिए. ठीक है, जैसे ही आपने चैंट किया, हाँ, आप अपने हाथ पे अपनी कीज रखोगे. ठीक है, अच्छा, बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि मैम हम, हमारे पास की नहीं है, तो हम अभी इस मून से चार्ज कर सकते हैं? आप बिल्कुल कोई भी अपने घर में स्पेयर पड़ी हुई लोहे की चाबी, छोटी सी चाबी जो जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो ले लो. बहुत से लोग बोलेंगे आपको कि नई चाबी लेनी है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. ऐसा कुछ भी नहीं करना है. आपके घर में जो भी स्पेयर कीज पड़ी हैं, बहुत सारी की ऐसी पड़ी होती है जिसका कोई यूज़ नहीं है, राइट, उसमें से आप एक छोटी सी चाबी अपने लिए इस काम के लिए निकाल लो. क्योंकि ये जो की है ना, ये गॉडेस एकाटे का सिंबल माना जाता है. और हम जब किसी एनर्जीज के सिंबल को अपने पास रखते हैं, उसको एनर्जाइज करते रहते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है, और किसी स्पेसिफिक चीज़ को अगर हम किसी चैंट के थ्रू एनर्जाइज कर रहे हैं, तो उसकी पावर्स डिफरेंट होती हैं, राइट. और हमें हर चीज़ की पावर की ज़रूरत होती है. कई दफ़ा एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है. जिस तरह से हम एनर्जी हैं, वैसे ही ये जो की है, इसमें भी अपनी शक्ति है, राइट. सो इसलिए ये हमें रखना होता है. ठीक है, नाउ जिन लोगों को कीज चार्ज करने हैं, उनके लिए भी यही काम कर सकते हो आप. ये जो सिंबल आप अपने हथेली में बनाओगे, इसी सिंबल पे आप अपनी चाबी रखोगे और फिर अपने चैंट स्टार्ट करोगे. ठीक है, चैंट से ये चाबी भी चार्ज हो रही है. दो, टू इन वन वर्क होगा यहाँ पे. एक तो ये चाबी चार्ज होगी, सेकेंड आप अपनी इंटेंशंस, अपनी विशेज, जो भी आपकी विशेज है, ठीक है, उसको आप गॉडेस हेकाटे से रिक्वेस्ट करते हुए बोलोगे, प्रेयर्स करते हुए बोलोगे. कोई प्रेजेंट नहीं, कोई पास्ट टेंस नहीं. जब हम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हमें प्रेयर्स करनी होती है. प्रेयर्स हैव देयर ओन पावर्स, राइट. सो यहाँ पे सिर्फ आपकी प्रार्थना की शक्ति, आपकी प्रेयर्स, ठीक है. तो आप अपनी प्रार्थना कर सकते हैं रिक्वेस्ट करते हुए, गॉडेस हेकाटे प्लीज़ मेरी ये विश, सो एंड सो विश मेरी फुलफिल हो जाए. जैसे ही मेरी विश फुलफिल होगी, मैं आपको हनी ऑफर करूँगा. मैं हनी ही कंसिडरेशन में लेके आ रही हूँ. वैसे तो आप लोग यस आलमंड्स ऑफर कर सकते हो, बाकी के भी बहुत सारे कुछ भी स्वीट्स ऑफर कर सकते हो, बट हनी को एक बार कंसिडर करके देखना. काफ़ी कुछ है इसकी शक्तियाँ, ठीक है. हनी से मैंने देखा है बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्टेशन डन हो रही है, ठीक है. तो होता है कुछ कुछ चीज़ों से एनर्जीज यस बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं एंड वर्क करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं बेसिकली, ठीक है. तो उसको हाथ में रखें, आपने सिर्फ इतना बोलना है. बोलने के बाद अपने चैंट को थोड़ा सा कर लो, गॉडेस एकाटे मैजिक बिगिन नाउ. इससे क्या होगा, उनकी एनर्जी इनवोक होगी, ठीक है. अपने प्रेयर्स के बाद आप अपनी की को अपने पास रखो. जैसा कि मैं बोलती हूँ, आप अपने मोबाइल के कवर के पीछे रखो, सो दैट जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं भी हैं, कहीं किसी प्रॉब्लम में हैं, अपनी चाबी हमने हाथ में निकाली और हम इंस्टेंटली उनसे कनेक्ट हो गए, ठीक है, और अपनी प्रेयर्स कर ली हमने, ठीक है. अभी तो लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जा रहे हैं एक बार के रिचुअल से कि बिना चाबी के भी प्रेयर कर रहे हैं तो भी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है. बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बार पुकार रहे हैं, सुन ही नहीं रहे, तो उस टाइम पर हम अपनी कीज़ को लेके और फिर अपनी प्रेयर्स कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ये हो गया आपकी चाबी को लेके. ये साइन कितने दिन तक बनाना है, साइन वन टाइम रहेगा. साइन है कौन सा, अभी तक वही नहीं बताया मैंने. ओके, तो ये साइन है जो आपको बनाना है, ठीक है. बहुत सिंपल सा, आप ये सर्कल देख रहे हो, लेट मी शो यू. ये सर्कल बनाएंगे पहले आप, ओके. और फिर इसके बाद ये सेमी सर्कल ऊपर, सेमी सर्कल नीचे, सेमी सर्कल इधर एंड सेमी सर्कल इधर. मतलब ये चार इस तरह के हाफ मून मान लो, ये हाफ सेमी सर्कल मान लो, ये बनेगा आपका, ये आपके हाथ पे बनेगा. ये है आपका मैनिफेस्टेशन का सिंबल, ओके. सो बहुत सिंपल है, मैं एक बार फिर से पास से दिखा देती हूँ आप लोगों को. ये सिंबल है, ध्यान से गौर से देख लीजिए एंड इसी को आपको करना है, ठीक है. सो इसको बना करके एंड आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है,
ठीक है। रहा सवाल कि बाकी जो वीडियोस में मैंने जितने भी टेक्निक्स डाले हैं, अपलोड किए हैं, उनको क्या आप सेम रिपीट कर सकते हो? जैसे कि पेपर्स में लिख करके मैंने बताया था आप उस पर हनी ड्रिप करो, क्योंकि उससे भी बहुत सारे लोगों की विशेज मैनिफेस्ट हुई है और बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हुई है। तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख सकते हैं, मैं यहाँ के ना एंड स्क्रीन में, वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो पोस्ट कर दूंगी। तो उसमें से अगर आपको रिचुअल करना है कल तो आप कर सकते हो। मेरी तरफ से गॉडेस एकाटे का जो न्यू रिचुअल है वो यही है कि इस साइन के साथ आप अपनी विशेज, अपनी चाबी को चार्ज करो, अपने हाथ में यहाँ पे बनाओ, लेफ्ट हैंड में हथेली के नीचे आप यहाँ पे बनाओगे, नीचे मतलब हथेली के बीच में यहाँ पे इस एरिया में बनाओगे, यहीं पे अपनी की रखोगे और अपने अपने विशेज के लिए प्रे करोगे, ठीक है। एंड जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि उनका मिराकल तो ऐसा ही हो रहा है कि वेट एंड वॉच वाला, हमने कुछ मांगा और इंस्टेंट मिल जाता है। बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। सो मिस मत करो, कल के दिन ये काम करो, अपनी अपनी चाबियों को चार्ज करो, अपने सेल्फ लव, अपने स्किन के लिए हनी रिचुअल बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ज़रूर से करना है, ओके। हाँ, गॉडेस लिलिथ के लिए, यस, गॉडेस लिलिथ के लिए हम क्या रिचुअल करेंगे? गॉडेस लिलिथ को हम मिरर में देख करके बुलाते हैं, तो आप मिरर के सामने खड़े होकर के गॉडेस लिलिथ से प्रेयर कर सकते हैं, उनके पावर्स को इन्वोक कर सकते हैं, बुला सकते हैं। उनको कैसे बुलाएंगे आप? सिंपल गॉडेस लिलिथ को याद करते हुए आप चैंट कर सकते हो। गॉडेस लिलिथ से रिलेटेड प्रेयर है मेरे चैनल पे, वो प्रेयर्स प्लीज़ करिएगा। मैं उसका भी लिंक यहाँ पे या एंड स्क्रीन में मैं उसकी वीडियो पोस्ट कर दूंगी। प्लीज़ आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद दोनों वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको, दोनों वीडियोज़ आप फॉलो ज़रूर करना। गॉडेस लिलिथ से रिलेटेड आप गॉडेस लिलिथ को लेटर लिख सकते हो, ठीक है, अपने विशेस के लिए। एक हो, मल्टीपल विशेस हो, कौन से कलर से लिखोगे? ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हो गॉडेस लिलिथ के लिए। डार्क गॉडेस हैं, डार्क डे है, ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर यूज़ करो। जनरली हम ब्लैक कलर मना करते हैं, लेकिन न्यू मून पे तो यस, यू कैन यूज़ ब्लैक कलर। ब्लैक नहीं है तो ब्लू ले लो, ब्लू तो हमेशा सबके पास है, उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं, राइट। अपने लेटर्स लिखो, डियर गॉडेस लिलिथ, ठीक है, और फिर प्रे करते हुए अपनी जो भी रिक्वेस्ट है, विशेस हैं, उसके बारे में लिखो एंड एंड करो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉडेस लिलिथ करके। ये लेटर अपने सिरहाने रात में रख के सो, सुबह इस लेटर को क्रश करके मिट्टी में दबा दो, ठीक है, या हो सके तो पानी, एक ग्लास पानी भरो, उसमें आप इस लेटर को डाल दो, या डिजॉल्व हो जाएगा बाद में, इसको पौधों में डाल दो, सिंपल। तो और कुछ कहीं पे है नहीं, राइट, बस इतना सा रिचुअल करना है कल का। एंड यस, न्यू मून का रिचुअल इज़ डन। गॉडेस एकाटे, गॉडेस लिलिथ, दोनों के प्रेयर्स और उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में हमेशा रहें, सारी विशेज जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करो। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।